ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी वर रीडिंग अबाउट द ब्रेन, है ना। तो ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था दैट इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम एंड द स्कल। क्रेनियम और द स्कल बेसिकली, देखो अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के हेड को देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो होगा उसका स्कल, उसके बाद होंगी थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग्स कॉल्ड द मेनिंजेस। मेनिंजेस आर द थ्री कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंगाइटिस। कई केसेस में क्या होता है कि ये जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स है ना, ये स्वेलिंग, इनकी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम मेनिंगाइटिस बोलते हैं। मेनिंगाइटिस इज बेसिकली अ कंडीशन दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। वो बेसिकली हेडेक्स में रिजल्ट करना शुरू कर देती है। द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन्स, सेंट्रल स्पेसेस ऑफ ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज फिल्ड विद द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखो ब्रेन का जितना भी पार्ट है वो सारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड है, एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनाल है वो भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पे कि व्हाई बेसिकली द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज इम्पॉर्टेंट। तो स्कल तो देखो बेसिकली हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, बट अगर इन द केसेस इफ वी आर जंपिंग, है ना, एंड वी आर डूइंग सम समथिंग लाइक समथिंग एक्टिव प्रोसेस, हम कुछ एक्टिव कर रहे हैं जैसे कि भागना, जंप करना या कुछ भी लाइक दैट। इन द केस ऑफ डांसिंग ऑल्सो, इन द केस ऑफ योगा ऑल्सो, अगर कुछ ऐसा होगा तो अगर हम फास्ट मूवमेंट ऑफ द हेड करेंगे तो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन उसको नुकसान हो सकता है। बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो सराउंड करके क्या करता है, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर लेता है, एंड उसमें फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, नाउ हमारे ब्रेन के थ्री रीजन्स हैं, दैट आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो ब्रेन का आगे वाला पार्ट होता है दैट इज द फोर ब्रेन, जो मिडिल वाला पार्ट होता है दैट इज द मिड ब्रेन, एंड जो पीछे वाला पार्ट होता है बेसिकली द दैट इज नोन एज द हाइंड पार्ट बेसिकली एंड द हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन में जो दिस ऑल इज बेसिकली द फोरहेड। ठीक है, एंड इसमें दो टाइप के ये दो टाइप के हेमिस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, सपोज करो वन ऑन द राइट साइड, अदर ऑन द लेफ्ट साइड। एक हेमिस्फीयर तो ये है जो हमें दिख रहा है, दूसरा हेमिस्फीयर है इसके पीछे वाली साइड। ठीक है, ये जो दो हेमिस्फीयर है इनको सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोला जाता है, एंड ये दोनों कॉर्पस कैलोसम नाम के फ्लूइड से जॉइंट होती है। कॉर्पस कैलोसम इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट जॉइंट्स द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। दिस वन पार्ट इज द फोर ब्रेन, दिस वन पार्ट इज द हाइंड ब्रेन, एंड दिस सॉरी मिड ब्रेन, एंड ये वाला जो लास्ट पार्ट हो गया ना बेसिकली पीछे वाला पार्ट या बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, दैट इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं, द पॉन्स, द मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा एंड द सेरेब्रम। ओके, सेरेब्रम में बेसिकली द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आते हैं जो आपने देख लिया था पार्ट। डायएनसेफेलन में हमारा हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस आता है, द थैलेमस पार्ट एंड द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन। लेट अस सी व्हाट आर दिस हाइपोथैलेमस एंड द थैलेमस पार्ट। सी
as you can see here, this is the thalamus part, and this is the hypothalamus part, and this whole is our forebrain. The major part of the brain is the forebrain. Now, the parts of the hindbrain are the cerebellum, pons, and medulla oblongata. जो आपने ऑलरेडी देख ली है उस डायग्राम में, अगर दोबारा देख लिया, लेट मी शो यू. सी द पॉन्स, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड द सेरेब्रम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन ऑफ द ब्रेन. नाउ सेरेब्रम, it is divided into two cerebral hemispheres connected to each other by corpus callosum. Corpus callosum hai jo wo cerebrum ko connect karta hai. The walls have an outer cortex and inner medulla. Bahar wali side hamare brain ke cortex hota hai, andar wali side ka hota hai medulla hota hai. The outer cortex and inner medulla. The cortex contains the neurons, cell bodies of neurons, and is grayish in color, hence it is called the gray matter. And the medulla consists of axons of the nerve fibers and is called as the white matter. Dekho aapko kaise yaad rakhna is cheez ko, the cortex and the medulla. Okay, cortex consists of the cell bodies. Ab cell bodies hain jo, cell bodies are basically the cytoplasmic extension, theek hai, and they are gray in color. But on the other hand, मेड्यूला में क्या है, मेड्यूला में बेसिकली द एक्सॉन्स हैं. एक्सॉन्स में क्या आ जाते हैं, हमारे नर्व फाइबर्स. फाइबर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर, थस इट इज व्हाइट मैटर. ओके, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला. कॉर्टेक्स इज ग्रे इन कलर, मेड्यूला इज व्हाइट इन कलर. कॉर्टेक्स इज ग्रे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सेल बॉडीज, एंड medulla is white because of presence of axons. Now cerebellum, cerebellum is located at the base of the cerebrum. Cerebrum ka jo base hai wahan pe cerebellum hota hai. It has numerous furrows. Furrows matlab basically the extensions, furrows. Let me show you. Jaise ki ye hai na, ye cerebrum hai hamara, so it consists of a lot of furrows. These are basically the furrows. Medulla oblongata. Medulla oblongata is located at the base of the skull. बिल्कुल जो हमारे skull का base होता है वहाँ पे medulla oblongata होता है. Medulla oblongata is basically the last part of our brain. It is roughly triangular in shape. It continues behind the brain as the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की ही कंटिन्यूशन होती है. देखो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बेसिकली द बेस ऑफ द ब्रेन है ना, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, एंड इसकी एक्सटेंशन ही स्पाइनल कॉर्ड से बेसिकली ये जुड़ा हुआ है. ठीक है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड कंटिन्यूज द स्पाइनल कॉर्ड. एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कोई भी हमारी इंजरी हो जाती है, it can lead to death. Okay, ab hum padhne wale hain about the spinal cord. Spinal cord extends from the medulla oblongata down to almost the whole length of the backbone and ends at second lumbar vertebra. Hamare kitne parts hote hain, the first part is the thoracic part, the next part is the abdominal cavity, and usse next jo hota hai that is the lumbar part. So spinal cord hamari all of the backbone ke through extended hai, basically up to
अगर हमें मतलब कि पूरा एग्जैक्टली याद रखना है तो दैट इज द सेकेंड लंबर वर्टिब्रे तक हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंडेड होता है. द ग्रे मैटर, अब देखो हमने क्या पढ़ा था ब्रेन में, हमने पढ़ा था ब्रेन में अब हमने क्या देखा था, वी हैव सीन दैट कॉर्टेक्स इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द ब्रेन, कॉर्टेक्स ऑन द आउटसाइड एंड मेड्यूला ऑन द इनर साइड. But in the case of spinal cord, it is opposite. The gray matter is on the inner side and white matter is on the outer side of the spinal cord.